हे गाइस, सत श्री अकाल सारे नू, वेलकम टू गुरी सैंड किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए आलू बड़ा की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान बहुत ही इजी है। जब भी आपको कुछ स्नैक खाने का मन करे, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें 8 आलू उबाल के रख लेंगे, उनको हम मैश कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर को अब हम मिक्स कर लेंगे। हम एक खाली बाउल ले लेंगे, उसमें हम 4 बड़े चम्मच बेसन के डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको हम अच्छी तरह हिला लेंगे। इसमें अब हम पानी डाल लेंगे, उसकी मदद से हम एक लिक्विड बैटर तैयार कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबलस्पून उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। उसको हम अच्छी तरह पैन पे फैला लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम जीरा 1 टीस्पून, प्याज 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और जो हमने आलू मैश करके रख लिए थे, उनको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे हम धनिया, और इसको हम अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में तेल रख लेंगे गर्म होने के लिए, और जो हमने आलू का बैटर तैयार किया था, उसकी हम लोई बना लेंगे। हाथों की मदद से हम अच्छी तरह इसको गोल गोल कर लेंगे, उसके हम लोइयां तैयार कर लेंगे। इसको हम बड़े की शेप में रख लेंगे। ऐसा देख सकते हैं हमारी लोइयां तैयार हो चुकी हैं। अब जो हमने लिक्विड बैटर बनाया था, उसमें हम इसको डिप करेंगे और एक एक करके ऑयल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। हम एक और डाल देंगे इसमें फ्राई होने के लिए। ऐसा आप जितने चाहें उतने इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम इनको अच्छी तरह पका लेंगे और हर 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, ताकि ये जल ना जाए। गाइस, आप देख सकते हैं ये आस्ते आस्ते कुक हो रहे हैं, आस्ते आस्ते पक रहे हैं। गाइस, आप देख सकते हैं हमारे जो बड़े हैं अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं, अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल देंगे और उनको हम सर्व कर लेंगे। गाइस, आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको, खुद भी खाएं अपने घर वालों को भी खिलाएं। और
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। गुड बाय गाइज़।